हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैरी किचन से। आज मैं आपके लिए साबूदाने की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप व्रत में या आप बिना व्रत के भी इसको खा सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आइए देखते हैं ये किस तरह से बनाई जाएगी। सबसे पहले हम एक कप साबूदाने का लेंगे। इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो लिया था। अब हम इस मिक्सी का एक जार लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम पीनट्स डालेंगे। हमने 1/3 कप पीनट्स का लिया है और इसको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। हमने इसमें कच्ची मूंगफली का यूज़ किया है। अब हम एक बड़े साइज का आलू लेंगे, हमने इसमें कच्चे आलू का यूज़ किया है और इसको इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। अब हम एक बाउल में पिसा हुआ साबूदाना निकाल लेंगे और इसमें फिर हम कच्चा आलू डालेंगे इस तरीके से, और जो हमने मूंगफली रोस्ट की थी उसको भी हमने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्ची डालेंगे बारीक कट करके। 4 से 5 हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, उसको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया है और थोड़ा सा हमने धनिया लिया है। अब इन सबको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें कच्चे आलू का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें बॉइल्ड पोटैटो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो भी हमें ग्रेट कर डालना है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। अगर आप जीरा व्रत में नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें सैदा नमक का यूज़ किया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी का डालेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। हमें बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला करना है। अब हम एक पैन लेंगे, उसको ऑयल से पहले ग्रीस कर लेंगे। अब हम उसमें हमारा बैटर डाल देंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे। और इसको कम से कम हमें पकाने में 10 मिनट लगेंगे। जब तक कि हमारा साबूदाना ऊपर से ड्राई नहीं हो जाता, हमें इसको तब तक पकाना है। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम पैन के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको इस तरीके से पलट लेंगे और उसी पैन में हम इसको वापस से डाल देंगे ताकि इसका नीचे वाला पोर्शन भी अच्छी तरीके से सिक जाए। और इसको ढककर हम कम से कम 5 से 10 मिनट और पकाएंगे। हमको इसको उलटते पलटते दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखिए, ये जितना ऊपर से क्रिस्पी है उतना ही अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी है। ये लीजिए, हमारी साबूदाने की रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसको व्रत में या बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं। ये आपको पीजे जैसा टेस्ट देगी और साबूदाना हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है। इस नवरात्रे आप इसको बनाकर खाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको ये साबूदाने की रेसिपी कैसी लगी। फिर आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों।